नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम में सीएमओ के ना पहुंचने की वजह से जनप्रतिनिधि ने जताई नाराजगी। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत की मंशा पर सीएमओ एवं स्वच्छता नोडल अधिकारी ने लगाया पलीता। नगर पालिका अध्यक्ष हुई नाराज। रायसेन नगर में स्वच्छता के बड़े बड़े दावे तो किए जाते ही रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों की उदासीनता की वजह से स्वच्छता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम रायसेन के योग पार्क में सुबह 9 बजे आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सविता जमना सेन सहित नगर के पार्षद भी पहुंचे, लेकिन इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएमओ ईशांक धाकड़ नहीं पहुंचे, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता सेन ने नाराजगी जाहिर की। वहीं विधायक प्रतिनिधि जमुना सेन ने भी स्वच्छता की नोडल अधिकारी श्रीमती रश्मि सिंह पर नाराजगी जाहिर की। वहीं जनप्रतिनिधियों ने फैसला किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए खुद श्रमदान करते हुए स्वच्छता का संदेश देंगे और विधायक प्रतिनिधि व जनप्रतिनिधियों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया, जिसकी वजह से अब जनप्रतिनिधियों की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्यवाही न किए जाने की वजह से नगर पालिका के अधिकारी मनमानी करने पर उतारू हो गए हैं। शहर में नहीं दिखी स्वच्छता, लाखों रुपए जरूर कर दिए गए साफ। रायसेन नगर पालिका में लंबे अरसे से स्वच्छता की नोडल अधिकारी रश्मि सिंह द्वारा पदस्थ रहने के दौरान शहर को स्वच्छता में नंबर 1 नहीं बना पाई, लेकिन स्वच्छता के लिए लाखों रुपए की पेंटिंग सामग्री होर्डिंग व अन्य खरीदी में क्रय नियमों का पालन न करते हुए लाखों रुपए की राशि जरूर साफ कर दी गई। वहीं सूत्रों की माने तो इनके सहयोगी इंजीनियर अभिषेक मालवीय की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते रहते हैं। अगर नगर पालिका की स्वच्छता शाखा के निष्पक्ष जांच की जाए तो बड़ा घोटाला सामने आएगा। कार्यक्रम पर सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार इसमें हमारे सभी अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सभी साथी पार्षदगण तो उपस्थित हुए, पर जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय हैं वो इसी कार्यक्रम से मतलब नहीं है। जो भी कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं और ना ही तो यहाँ मुख्यालय स्तर पर निवासरत हैं, विदेश से रहते हैं, आना जाना PIC की मीटिंगों में भी वो नहीं रहते, परिषद में भी हमेशा यही वो रहता है। तो इसलिए सबकी सहमति से आज हम इस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? देवेंद्र। हम लोग कल सोमवार से केवल जनप्रतिनिधि पार्षद हम सपना अभियान का शुभारम्भ करेंगे और कर्मचारियों से हटके केवल हम पार्षद ना मोहल्ले वाले में सफाई अभियान में झाड़ू लगाएंगे। क्या लगता है कि अधिकारियों की उदासीनता है कि जनप्रतिनिधि अब खुद आगे आ रहे हैं? मुख्यमंत्री के आदेश की सीढ़ी सीढ़ी अगले में आए, क्योंकि सत्ता में उन पहले जो मैं नगर पालिका अध्यक्ष था उमर प्रदेश में नगर पालिका 50,000 की पॉपुलेशन में नंबर 1 पर थी, लेकिन 3 साल के कार्यकाल में 188 नंबर पर नगर पालिका आई है। मुख्यमंत्री की राशि जो हमारे लिए इस्तेमाल की जाती है उसका दुरुपयोग खुलेआम किया जा रहा है। आदेश अनुसार स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हम सभी जनप्रतिनिधि, पार्षदगण और हमारी अध्यक्ष माननीय सविता सेठ भी उपस्थित रहेंगी, मगर नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसमें अनुपस्थित रहे। इनका हमेशा का यही काम है, इसलिए हम इनको एक बार और समझाइश दे चुके हैं और अब दूसरी बार और देंगे, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।